मेयर पाठक प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी उत्तर प्रदेश। आज ये हमारा अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। द्विवार्षिक अधिवेशन होता है जिसके क्रम में 27 और 28 तारीख को हमारा अधिवेशन है। कल सुबह 9 बजे से मतदान होगा, शाम लेट रात तक परिणाम आने के बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। मतदान जो है आपका वो कब तक चलेगा? मतदान हमारा अंतिम मतदाता जब तक हमारे मतदान नहीं देते हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, तब तक मतदान चलेगा। कितने मतदाता इसमें हैं? इसमें लगभग 1300 मतदान होने की संभावना है। अच्छा। जी, तो सारे जिलों के वोटर वोट लगते हैं? जी, पूरे प्रदेश के सभी सदस्य यहाँ पर आते हैं और मतदान करते हैं। अपना नेतृत्व प्रत्याशी विभिन्न पदों पे, अध्यक्ष पे 3 प्रत्याशी हैं, महामंत्री पे 5 प्रत्याशी हैं, कोषाध्यक्ष पे 4 या 5 प्रत्याशी हैं, इसी तरह सभी पदों पे प्रत्याशी हैं जिनके बीच में आपसी मतदान होगा। रिजल्ट वगैरह जो है जो निकलना है मतदान का, वो करीबन 10 बजे तक। जी, 10 बजे तक। क्या मैसेज देना चाहिए सर मतदाताओं को? मैं मतदाताओं के लिए मैं केवल इतने मैसेज देना चाहता हूँ, इन्होंने 2013 से निरंतर मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे निर्वाचित किया है। इनकी अपेक्षाओं पर, इनकी भावनाओं, इनके सम्मान के दृष्टिगत मैंने दिन रात संघर्ष करते करते हुए संगठन की सारी लंबी समस्याओं का निस्तारण किए हैं। जो शेष हैं, यदि पुनः मुझे जनाधार मिलता है तो जो शेष समस्याएं रह गई हैं उनको भी निस्तारण पूरी ईमानदारी के साथ करके उनका सकारात्मक परिणाम देंगे। मैं आनंद कुमार सिंह, राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी संघ का महामंत्री, आपको अवगत करा रहा हूं कि आज फार्मेसी संघ का द्विवार्षिक चुनाव है और कल मतदान होगा। आज अधिवेशन की चुनाव तो कल है। हाँ, चुनाव कल होगा। आज अधिवेशन का वो उद्घाटन हुआ है माननीय विधायक जी द्वारा और सम्पन्न। एक कोरोना काल में हम लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं सभी फार्मेसिस्ट बंधुओं से चाहता हूं कि इसमें संगठन का पूर्ण सहयोग करें और शांतिपूर्वक कल 28 चुनाव होता है। अब क्या कौन कौन वोट आता है, कहां कहां से लोग डालते हैं? ये पूरे प्रांत का वोट आता है। इसमें 75 जिले से आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसिस्ट संघ के सदस्य फार्मेसिस्टगण आते हैं जो मतदान करते हैं। 6 पदों का चुनाव होता है। बायलॉज के हिसाब से जो मेरा अपना संविधान बना है, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री एवं आय व्यय निरीक्षक का। आप कौन से पद का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महामंत्री पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। महामंत्री के पद पे और भी तो कोई होगा? अन्य प्रत्याशी भी हैं महामंत्री पद पे। मैं वर्तमान महामंत्री भी हूँ और अगले चुनाव में मैं महामंत्री पद पर पुनः प्रत्याशी बन के सभी फार्मेसिस्ट बंधुओं के बीच में अपने कार्यों को लेकर उपस्थित हुआ। ध्रुव कुमार त्रिपाठी, MLC, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव हो रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है और क्यों? इसकी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से है, संवैधानिक है और सही है। ऐसे ही तमाम कर्मचारी संगठनों के निर्वाचन हुआ करते हैं और मैं हर एक आयुर्वेद के सभी जो कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी फार्मासिस्टों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। जो कार्यकारिणी अपना कार्यकाल पूरा करके यह फिर संगठन में लोकतंत्र स्थापित किया जा रहा है, वह मैं पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ। आज क्या सम्मेलन था और कल चुनाव होगा? आज सम्मेलन है, कल चुनाव होगा। मैं राम कुमार वर्मा, संयुक्त मंत्री, राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ। अभी वर्तमान में हूँ और भविष्य में हूँ। हमारे जो महामंत्री जी ने कहा, जो हमारे जो महामंत्री जी ने कहा जो है, जो 2 वार्षिक चुनाव होता है वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया था,
अब हम लोग चुनाव संपन्न करा रहे हैं, इस वक्त पास से चुनाव संपन्न होगा और पूरे प्रदेश के लोग फार्मेसिस्ट लोग आते हैं। छह पदों का चुनाव होता है, जो महामंत्री ने कहा है। पद पे कौन खड़ा हो रहा है? अध्यक्ष पद पर सर विद्याधर पाठक, चंद्रप्रकाश पांडे और विनोद देवेंद्र तिवारी, तीन लोग हैं। क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में आपके? चुनाव मुद्दे हम लोगों का है, ये तदत्त भाई हमारे हैं उनका स्थायीकरण कराना है, समाजित जो भाई हमारे हैं उनका एसीपी नहीं लग रहा है एसीपी कराना है, 2014 भाइयों का जो है पेंशन के दायरे में लाना है हम लोगों को, ये हम लोग लड़कर हम लोग लड़ रहे हैं। कितने जिले से लोग हैं? 75 जिले से हैं। ठीक सर।